Call a covenant, not cocky. You cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and assailant. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurts start thinning. And the more... Hey guys, welcome here on my new video. तो आज इस वीडियो में हम लोग जावा पेरा को लेके एक शॉर्ट राइड करेंगे एंड रिव्यू भी करेंगे. तो पहले इसका सीटिंग के बारे में बात करते हैं. तो सीटिंग पोस्चर इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए भी सही है सीटिंग पोस्चर. पर इट्स ए सिंगल सीट बाइक है तो पीछे पिलियन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इसका इंजन के बारे में बात करेंगे तो इसका इंजन है 334 सीसी का और 31 हॉर्स पावर. तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है बाइक में, इंस्टेंट में भी बहुत ज़्यादा स्पीड मिलता है. और पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी चाहिए अच्छा, तो इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस आता है तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग भी है. एंड इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर का और माइलेज कंपनी क्लेम करती है 30 से 35, लेकिन मुझे 25 मिलता है. तो अगर माइलेज टेस्टिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगा. ऐसे बाइक ओवरऑल काफ़ी अच्छा है पर लोकल्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इसमें 31 bhp का पावर मिलता है जिस वजह से हीट भी काफ़ी ज़्यादा होता है. रेडिएटर है, वाइल्ड कूल इंजन है पर रेडिएटर में एक ही फ़ैन है जिस वजह से ज़्यादा हीट कम नहीं कर पाता, तो थोड़ा हीटिंग का इशू आता है. और एक है इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा टाइट है, मतलब स्टॉक में ही काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है तो जिस वजह से लोकल में चलाने से कभी कभी, मतलब ज़्यादा क्लच करने से हाथ दर्द होता है. और अगर हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे में एकदम परफेक्ट गाड़ी है, हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं आता है. और हाईवे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि विंड ब्लस्ट जो आता है स्पीड में चलाने से, तो काफ़ी हेवी बाइक है तो जिस वजह से विंड ब्लस्ट को समझ में नहीं आता है. तो अभी जा रहे हैं हाईवे के साइड एंड उधर भी चेक करेंगे कैसा आता है रिस्पॉन्स. मैं इस बाइक को पिछले एक साल से चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है. पर मैं लॉन्ग राइड्स के लिए FZ को ही चलाता हूँ बिकॉज उसमें माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है और मतलब स्मूथ भी बहुत है. तो अभी हाईवे के साइड जाते हैं, पहले फ्यूल अप करा लेंगे. ज़्यादा नहीं डलवाएंगे क्योंकि इसको मैं सही से चलाता नहीं हूँ, तो क्या होता है कि रखे रखे पेट्रोल ख़राब हो जाता है. तो गाइस अभी आ चुका हूँ हाईवे पे, तो पहले पेट्रोल डला लेते हैं फिर टेस्ट करते हैं बाइक को. एंड मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें GPS का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा. तो इसलिए इस वीडियो में मैं GPS ऑन नहीं कर रहा हूँ ना, वो मीटर भी नहीं दिखा रहा हूँ. आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे, तेल डलवा लेते हैं.
तो गाइस अभी फ्यूल डलवाना हो चुका है, तो अभी निकलते हैं इधर से, जाएंगे जो नया रास्ता बना है, लास्ट टाइम जहाँ पे वीडियो बना है तो उधर ही जाएंगे। एंड इसका अगर माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या हुआ, किसी का टायर पंचर हुआ था शायद से, साउंड से तो ऐसा ही लगा। लुकिंग ग्लास में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैंने इसको नीचे डाउन करके रखा है। इसको ओवरटेक कर लेते, पहले डाउन करके इसलिए रखा हो क्योंकि ऊपर रहता ना हाथ में लगता है, एंड इसमें लुक्स भी अच्छा आता है डाउन करके। अभी पानी देखे गया क्योंकि डस्ट ना हो रहे। पर पानी में एक प्रॉब्लम आता है कि कीचड़ पीछे से बहुत ज़्यादा उछलता है इसमें, पावर बाइक है तो समझ सकते हो, मेरा कपड़ा गंदा ना हो जाए। तो आ चुके हैं नया रास्ता पे, अभी भगाते हैं। जो मैं बोला था विंड ब्लास्ट का जो प्रॉब्लम आता है इसमें, बाइक थोड़ा से भी नहीं हिल रहा है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, घुमा लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। एंड एक बार फुटेज भी चेक कर लेते हैं कि ठीक ठाक सब कुछ आया है कि नहीं, क्योंकि गोप्रो में एक बार प्रॉब्लम आता है। तो गाइस जो मैं बोल रहा था वो है कि ये पिलियन सीट मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, स्टॉक में नहीं था, तो एक छोटा भी है और पता नहीं कंफर्ट रहता है कि नहीं, मैं सही से बैठा नहीं हूँ कभी भी, जो पीछे बैठा वही बोल सकता है। वैसे बाइक दिखाते हैं सामने से, वैसे सिनेमैटिक में तो मैं दिखा ही चुका हूँ, तो अभी हाईवे में कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस देखो झील कितना सुंदर लग रहा है, अभी रास्ता पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। आज काफ़ी ज़्यादा रश है हाईवे में, मुझे रीज़न नहीं पता, शायद मैं सुबह ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए शायद से, बिकॉज़ मैं नॉर्मली शाम को ब्लॉग बनाता हूँ, उस टाइम खाली खाली सा ही रहता है। ट्रक जब साइड से जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है। गाइस ये वाला वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तो फिर मिलेंगे अगले एक मस्त से व्लॉग में।